अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी जोर वाले बाजू पे डिज़ाइन, जो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा इंशाल्लाह। ये मेरे पास बाजू कटिंग हुए हैं जिसकी लेंथ बहुत कम है, ऑलमोस्ट 18 इंच है, और मुझे 22 या 23 इंच लेंथ चाहिए इस बाजू की। आजकल जो सूट आते हैं उसमें से अक्सर छोटे बाजू बनते हैं, तो इसकी मैं लेंथ बढ़ाना चाहती हूँ। ये देखेंगे मेरे पास फैब्रिक है जो रफ़ फैब्रिक है, ये देखिए इसी सूट में से बचा हुआ फैब्रिक है, तो मैं इससे इस बाजू की लेंथ बढ़ाऊंगी और इस पर एक डिज़ाइन बनाऊंगी ताकि डिज़ाइन भी बन जाए और जोड़ का भी पता ना चले। ठीक है, ये मैंने 3x3 का फैब्रिक लिया, ठीक है, 3 इंच वेट है, 3 इंच लेंथ है इस फैब्रिक की। ये समोसा बना के पहले को मैं इस तरह फोल्ड करूंगी, फ्रंट वाले को देखे, फिर बैक वाले को फोल्ड करना, फिर साइड से इस कॉर्नर को फोल्ड करना। इसको देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी और फिर इसे मैं स्टिच करूंगी। एक और मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये फैब्रिक है 3x3 का, बहुत ही आसान डिजाइन है। ये देखिए ये 3x3 का, ये 3 लेंथ है और 3 वेट है इस फैब्रिक की। अब मैं इसे इस कॉर्नर से फोल्ड करूंगी, फिर दूसरा कॉर्नर भी लूंगी, दोनों कॉर्नर को मिला दूंगी इस तरह से। अब फ्रंट वाले को फोल्ड करना है, जो फ्रंट वाला फैब्रिक है इस तरह से फोल्ड करूंगी, फिर अदर दूसरे वाले को, बैक वाले को फोल्ड करना है इस तरह से, फिर दूसरी साइड वाला जो कॉर्नर पे फैब्रिक है उसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, और फिर इसे फोल्ड करूंगी मैं। ये देखिए एक ट्यूलिप टाइप पैटर्न बन जाएगा। अब इसे स्टिच करूंगी, इसी तरह मैं सारे बना लूंगी बाजू के लिए। मुझे ये 9 चाहिए तो मैं 9 या 8 बना लूंगी, ठीक है। ये मैंने अब रेडी कर लिया है इनको, ये नोटी स्टिच को मैंने रेडी कर लिया। बस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मेरे पास बाजू का डिज़ाइन बनाने के लिए, जो सूट में से बचा हुआ फैब्रिक है, तो उस पर मैं ये डिज़ाइन इस तरह से रेडी करूँगी। अभी जो मैं नोटी स्टिच बताया आपको, उनको मैं इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच करूँगी बाजू की लेंथ बढ़ाने के लिए, उसमें डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, डिज़ाइन बनाऊंगी ताकि जोड़ का भी पता ना चले और हमारे बाजू भी खूबसूरत हो। देखिए इस तरह से मैं रेडी करूँगी, ये रेडी हो गई, तैयार है ये। अब ये बाजू का जो फैब्रिक है, जो जिस पे मैंने बाजू कटिंग किया जिस फैब्रिक पे, उसको मैं इस तरह से स्टिच करूँगी, ये देखिए, ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक येलो फैब्रिक, क्योंकि मेरे पास और फैब्रिक नहीं है सेम, तो मैं इस फैब्रिक को यूज़ करूँगी इस तरह से, ठीक है। इन तीनों फैब्रिक को मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। स्टिच कर लिया, अब मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ताकि ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया इसमें मजबूती आ जाए। फिर देखिए एक 3 फैब्रिक को स्टिच करके मैं अब इसे मैंने टर्न किया, अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, और जो इसके अंदर इनर फैब्रिक है येलो कलर का, उसको मैं तरपाई करूँगी।
नीचे वाली साइड पे फैब्रिक नहीं है मेरे पास, बहुत कम फैब्रिक है, इसको मैंने फोल्ड करना है इस फैब्रिक को। ये देखता हूँ ये लास्ट वाले से मैं स्टिच करूँ। अब ये मेरे पास फैब्रिक कम है, फोल्ड करने के लिए नेट स्टिच जो एक्स्ट्रा मैस है इसको छुपाने के लिए मैं इसके नीचे भी येलो एक फैब्रिक इस तरह से स्टिच करूंगी। फैब्रिक में इस तरह से इजाफा हो जाएगा और ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। अब ये देखिए ये जो मैस है अंदर इस मैस को छुपाने के लिए ये देखिए इसको इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड कर इस तरह फोल्ड करना इस फैब्रिक को और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाना। ये जो फैब्रिक है जिसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ये से भी टर्न अंदर वाली साइड पे ये टर्न हो जाएगी। ठीक है, ये जो यू शेप में मैंने नोट स्टिच बनाया ये बाहर वाली साइड पे आ जाएगी, आउट साइड पर आ जाएगी। जो येलो कपड़ा है जिसे मैं अब सिलाई लगा रही हूँ ये कपड़ा इनर साइड पर टर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैं कर पाई करूँगी। देखिए इससे सारा जो मैं सेट है वो छुप जाता है और सफाई आ जाती है। ये देखिए अब मैं इसे जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है सारे से मैं प्रेस करूँगी और फिर इसमें तरपाई करूँगी। अब यहाँ पे जो मैंने ये नोट स्टिच बनाया टू लिफ्ट आए यहाँ पे बढ़ लगा इसी तरह मैं सब पे बढ़ लगा लूँगी एंड कलर के। देखिए इस तरह से मैं लग गया पर्ल्स, बहुत ही आसान है पर्ल लगाना। ये देखिए इस तरह से मैं सभी पर अब इसी तरह से सेम एक एक पर्ल्स लगा दूंगी। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने यू शेप में नोट स्टिच बनाए इस तरह देखिए सब में मैंने पर्ल्स लगा लिए। अब ये जो नोट स्टिच बनाए इसमें मैं टसल लगाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत टसल है मेरे पास। ये देखें ये खूबसूरत टसल है, मैं इनके अंदर लगाऊंगी। ये जो स्पेस है इनके अंदर यहाँ पर इस स्पेस के अंदर इसे मैं स्टिच करूँगी इन टसल्स को। ये आजकल काफ़ी इन है। ये देखेंगे मैंने लगा ली और रेडी हो गया ये बाजू। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक से ये बाजू रेडी की है और जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें ये अंदर मैंने पर्स लगा दी इसके। आप भी इस तरह अपने सूट पे डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके भी सूट की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। ये देखिए रेडी हो गया बाजू के डिज़ाइन। अब जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।